नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ बॉडी ऑफ मास टू के जी हैज़ एन इनिशियल वेलासिटी ऑफ थ्री मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग ओ एंड इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ फोर न्यूटन इन अ डायरेक्शन पर पेंडिकुलर टू ओई सवाल ये डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम ओ आफ्टर फोर सेकेंड्स विल भी हमारे ऑप्शन है आठ मीटर बारह मीटर बीस या फिर अड़तालीस मीटर सिंपल सवाल है मेरा हमेशा सजेशन लोगों को ऐसे होता है इस तरह के सवाल हमेशा वैक्टर फॉर्म में करें सो so, uh, ये अपना कोई पॉइंट ओ है लेटस से ये डायरेक्शन आपकी ओई है इनिशियल uh, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थ्री मीटर पर सेकेंड तो इसको हम डिनोट कर लेते हैं थ्री आई कैप से आपका इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा हुआ है इस डायरेक्शन में तो फोर्स की जो वैल्यू है वो फोर्स जे कैप लिख लेते हैं और क्योंकि मास उसका टू के जी दिया है तो विच एम्प्लाइज एक्सलेशन विल बी इक्वल टू फोर्स बाय मास सो दैट विल बी इक्वल टू टू जे कैप ये हमारा एक्सेलेशन हो जाएगा ना हमें बताना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं उसका हमें बताना है डिस्टेंस ट्रेवल कितना होएगा सो so, यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी इसका नोटिस करें ये एस यू और ए ये तीनों आपके वेक्टर फॉर्म में हैं so, सो इससे आपका एस क्या वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा यू इज़ थ्री आई कैप मल्टीप्लाइड बाई टाइम आपका फोर सेकेंड है प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन इज़ टू जे कैप मल्टीप्लाइड बाय टी यानी कि फ़ोर का स्क्वायर चार सेकंड में बताना है ना फोर का स्क्वायर सो एस हो गया अपना दिस विल बी ट्वेल्व वाई कैप प्लस ये बनेगा सिक्सटीन जे कैप तो ये तो अपना डिस्प्लेसमेंट है अगर हमें डिस्टेंस बताना हो ये डिस्प्लेसमेंट आया है डिस्टेंस जो होएगा दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एस यानी कि आ जाएगा अपना ट्वेल्व स्क्वायर प्लस सिक्सटीन का स्क्वायर uh, ये अपना बन जाएगा ट्वेंटी मीटर सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी 20 मीटर वुड बी द राइट आंसर